आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि अगर कोई मतदाता शिकायत करता है तो उसका वोट किसी दूसरे उम्मीदवार को गया है तो मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारियों से एक घोषणा पत्र भरवाएंगे और फिर सबके सामने एक टेस्ट वोट डाला जाएगा। अगर शिकायत सही पाई गई तो मशीन बदल दी जाएगी। बल्कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू तो यहां तक कहते हैं कि वहां का मतदान निरस्त कर दोबारा वोट डलवाए जाएंगे, लेकिन इसके उलट शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसा कहीं भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन अगर उसको लगता है कि मतलब उसके साथ ऐसा हुआ है तो वो बाहर आएगा, पीठासीन अधिकारी से बात कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने किसी और को दिया। पीठासीन अधिकारी उसे डिक्लेरेशन करवाएगा, हाँ भाई गलत से फॉर्म भरवाएगा क्या ये बात सही है, और उसके बाद एक टेस्ट वोट डाला जाएगा जिसकी एंट्री 17A में होगी और उसके बाद फिर सब लोग अंदर जाएंगे, उसके सामने वोट डालेंगे वहां पे। और यदि वो जो बात कह रहा है उस बात की यदि पुष्टि होगी तो मतलब वहां पे अग्रिम कार्रवाई की सिस्टम बदल दिया जाएगा और यदि उसकी बात की पुष्टि नहीं होगी फिर उस पे पुलिस की कार्रवाई। जौनपुर में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे राज्य मंत्री अनिल राजभर ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार करने पर कहा कि उन्होंने कानपुर और प्रयागराज में प्रचार किया, इसका कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है, देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक सौदागरों से सचेत रहने की जरूरत है। राजनीति में बेचने खरीदने वालों से हमेशा सजग, जो सौदागर होता है उसको किसी से मोहब्बत नहीं होती, किसी से प्यार नहीं होता। आपका दर्द देखकर, आपकी तकलीफ देखकर कोई सौदागर पिघलने का काम नहीं करेगा। कोई सौदागर है तो उसको सिर्फ अपना मतलब और अपना स्वार्थ दिखाई देता है। उसका मतलब और उसका स्वार्थ जब तक पूरा होता रहेगा वो आपके बीच में इसी तरीके से उलझुल के लोग बातें करते रहेंगे। तो राजनीति की तिजारत और व्यापार करने वाले लोगों से भी हम लोगों को सजग रहना है, सौदागरी करने वाले लोगों से भी हम लोगों को सजग रहना है, और राजनीति में फैसला करने से पहले, राजनीति का एक भी कदम आगे निकालने से पहले हमें अपने बच्चों के चेहरे की तरफ जरूर देखना चाहिए, अपने बड़े झोपड़ी की तरफ जरूर देखना चाहिए, अपने गरीबी की तरफ जरूर देखना चाहिए। हम करुण निशान पर वोट देने जा रहे हैं, आईना की तरह सब साफ है, मालिक के मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना कि सर को झुकाता हूं तो आईना नजर आता है। आज मोदी जी ने जो किया है आईने की तरह साफ है, कुछ छुपा नहीं। जौनपुर में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नाबालिग बच्चों से खाली कुर्सियां उठाने का काम कराया गया। नाबालिग बच्चों से काम कराने की तस्वीरें कैमरे में कैद होने से हड़कंप मच गया। वहीं काम कर रहे नाबालिग बच्चों का कहना है कि उन्हें 250 रुपए देकर ये काम कराया जा रहा है। इस मामले पर जब बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करने का प्रयास किया गया तो कैमरे के सामने कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। जौनपुर में बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने रोड जाम करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा मामला सरपतहा थाने के रामनगर गांव के पास का है, जहां हादसे के बाद बुलेरो छुड़ाने आए बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। शोर सुनकर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार समेत 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। अभी अरसिया से पीछे जो है बहुत खतरा है रोड की तरफ जाने पर, वहाँ एक बुलेरो जो है सागर की तरफ से आ रही थी और सामने गांव से दो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे। बुलेरो ने उनको धक्का मारा जिससे उनकी उसमें से एक लोग की मृत्यु हो गई और मोटरसाइकिल से उनको जो है PSC वहाँ सागर भेजा गया। और बुलेरो जो है जो बुलेरो से धक्का लगा था उसको जो है पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा था। अरसिया मोड़ पर जब वो पहुंची है गाड़ी तो जैसे बताया गया कि दो लोग जो है मोटरसाइकिल से आए और बुलेरो न ले जाने के लिए उन्होंने कट्टा दिखाया और कट्टा दिखाने के बाद जो है फायर कर दिया, फायर जो है मिस हो गई, इससे वहाँ की पब्लिक भी बच गई और पुलिस भी बच गई और दोनों जो है पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बदायूं में तेज रफ्तार बेकाबू बस खाई में पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आनंद फानंद में घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। पूरा मामला अलापुर थाना क्षेत्र के बदायूं फरखाबाद हाईवे धर्मपुर गाँव के पास का है। मऊ जिले के सरायल खंसी थाना क्षेत्र स्थित कंधेरी गांव में युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक 15 साल से मुंशीपुरा में किराए के मकान में रहकर चाय और फल का ठेला लगाता था। 4-5 दिन पहले ठेला लगाने को लेकर कुछ दबंगों ने मारपीट करते हुए ठेला लगाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पिता की माने तो धमकी से आहत होकर ही युवक ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। चंदौली में एक बंद पड़ी चार दीवारी के अंदर युवक का खून से लथपथ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक के गले और शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव छिपाने के मकसद से यहां फेंका गया है। फिलहाल शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सिद्धार्थनगर के सत्यम पैलेस में सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष अजय चौधरी और बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र गौतम भी मौजूद रहे। तो वहीं जिले भर से आए नाई समाज के लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। फिरोजाबाद में देर रात दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की तरफ से एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। पूरा मामला सिरसागंज के दरिगापुर का है, जहां पुराने विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मैकेनिक की दुकान पर बाइक ठीक कराने आया अज्ञात बदमाश युवक की हत्या कर आराम से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।